हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं जिंदाल फोटो एलईडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ, साथ में आपको ये बताऊँगी इस कंपनी का शेयर कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर आपको एंट्री पॉइंट बनानी है, कितना क्या टारगेट रखना है, कितना सपोर्ट लेना है, कितना रेजिस्टर में लेना है, लाइक योर सारी चीज़ों की हम बात करेंगे इसी वीडियो में। सो गाइस, एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जिंदाल फोटो कंपनी की बात करें, 347 पे क्लोजिंग हुआ कल के दिन, देखा था 0.86% डाउन था पर शेयर के पीछे। देखिए प्राइस वाइज 3 रुपये डाउन था अगर शेयर वाइज पकड़े तो, यानी जो स्टॉक है आपको एफएनओ में नहीं मिलेगा, ये जो स्टॉक है आपको एफएनओ में नहीं मिलने वाला है, आप इसको एफएनओ में ट्रेड नहीं कर सकते। ये जो स्टॉक है सिर्फ आप इसमें इंट्राडे कर सकते हैं एंड इसको इक्विटी में बाइंग करके होल्डिंग कर सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है आप कितने दिन का तो होल्डिंग करते हैं। बट यहाँ पे जो आपको लेवल्स आपको बताऊंगी कितने दिन का होल्डिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 या 1.5 वीक भी होल्डिंग करोगे तो आपको इसमें रिटर्न मिल जाएंगे अगर जो लेवल वहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो। सो जो लेवल्स आपको दी थी ध्यान में रख के ही आपको लाइक कल या परसों की आज के दिन भी आपको ध्यान में रख के ही वहाँ पे क्या एंट्री करनी है। ऐसे बहुत से स्टॉक का मैंने लाइक टारगेट्स में देती हूँ जो कि पॉसिबिलिटी होता है कि उस दिन वो हिट नहीं होता है, बट वो 3 या 4 डेज लेता है, बट उस जगह से जैसे ब्रेकआउट लाइक होता है एंड डेफिनेटली वहाँ से लाइक ओवरऑल जितने भी लाइक अभी तक मैंने स्टॉक पकड़े हुए हैं, लाइक जितने भी स्टॉक सब मैंने बताया हुआ टारगेट ओवरऑल जो इसमें 4 या 5 पॉइंट का मोमेंटम मिल ही जाता है एक दिन में। सो और उसको होल्डिंग भी अगर आप करते हो तो अच्छा खासा इसमें रिटर्न के अर्न कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम जिंदाल फोटो कंपनी की बात करें, स्टॉक लाइक जब भी एक लाइक एक जो सपोर्ट इसका होता है ना, कुछ दिन से स्टॉक क्या है साइड वे रहता है, अगर आप इस जगह पकड़े तो साइड वे था, तोड़ा वापस उस लेवल पे आया, बहुत ही अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे भी सेम अगर ये चीज़ देखिए, कुछ दिन तक साइड वन यहाँ पे साइड वे था, तोड़ा वापस एक उसी लेवल पे आया, ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा लाइक मोमेंटम मिला है, वापस नहीं पकड़े। यहाँ पे क्या कुछ दिन से स्टॉक के साइड वे था कि जगह पे ट्रेड हो रहा था एंड जैसे इसने वो लेवल तोड़ा अच्छा खासा मोमेंटम इसने दिया। सो लाइक ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको भी पहले का भी अगर पहले का भी लाइक कैंडल्स जो थे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो भी एक टेक्निकली वाइज देखें आप। सो लाइक आप टारगेट फिक्स कर सकते हैं कि वहाँ तक जाने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी कि वहाँ से जा सकता है। जैसे कि अगर आप इस जगह का पही पकड़ लें एंड उसके बाद से बहुत ही अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है एंड अभी देखिए तो और वैसा ही पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि स्टॉक क्या है एक ही। यहाँ पे अगर आप देखिए तो कुछ दिन से स्टॉक क्या है साइड वे है एंड 360 एंड 340 नहीं पकड़ सकते, 347 के अराउंड ही क्या है स्टॉक, उसी के बीच में ही ट्रेड हो रहा है। सो ओवरऑल वहाँ का उसका हाई अगर तोड़ता है 360 के आसपास या फिर उसके अराउंड अगर देता है अच्छा खासा ब्रेकआउट, सो चांसेस है कि स्टॉक क्या 400 तक भी जा सकता है अगर आप 2 से 3 वीक तक उसको होल्डिंग करते तो। बाकी पॉसिबिलिटी है कि ये जो स्टॉक है 380 तक इसे जाने के चांसेस हैं ये स्टॉक के एंड 370 भी जा सकता है ये स्टॉक। बाकी अगर आप एक देखें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हो रहा है एंड लाइक यहाँ भी देखें तो ऐसा ही पैटर्न फॉर्म हो रहा है जहाँ से लाइक ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। तो चलिए आपको इसके लेवल्स आपको दिखा देती हूँ। येस आई थिंक सो आपको पूरा चार्ट पूरा विजिबल होगा। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमें फॉलोअप करें, सो ये जो 0.68% है वहाँ के लेवल पे ही उसी के आसपास ही है कि लाइक हमारा एक गोल्डन जोन है जहाँ से देखिए स्टॉक ने सपोर्ट लिया वहाँ से अपसाइड गया है। सो वहाँ पे स्टॉक अगर आज का भी देखे तो रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, लाइक बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ है एंड वहाँ पे आके सपोर्ट इसने लिया हुआ है एंड लास्ट क्लास देखिए मैंने 343 का मैंने सपोर्ट लेने को बोला है, 343 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए, अगर तोड़ेगा लास्ट क्लास जो स्टॉक है ना यहाँ तक इसके आने के चांसेस 327 तक। सो ध्यान में रख के आपको इसका सपोर्ट आपको पकड़ के चलना है। बाकी एंट्री जो मैंने दी है 358 का भले 360 का नहीं दिया हुआ है बट आप ये जो प्रीवियस कैंडल्स के हाई देखिए 358 है, सो 358 का लेवल ये ब्रेक करना चाहिए, 358 का तोड़ा 360 पे एंट्री कीजिए, 367 का टारगेट पकड़ के चलिए, आपका टारगेट अचीव होगा, आपको लाइक पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो ध्यान में रख के ही आपको एंट्री करनी है एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो जो लेवल्स आपको देती हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ ये। सो ओवरऑल देखें यहाँ पे तो बहुत से ऐसे लाइक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं एंड जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं ऑलमोस्ट अगर मैंने अभी जितने भी स्टॉक बताया इसमें से 30 to 40% ये वर्क करता है एंड ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा खासा लाइक हमें मोमेंटम मिल रहा है एंड ओवरऑल देखें तो जब भी इसने सपोर्ट लिया है ओवरऑल अच्छा खासा रिटर्न मिला ही है।
अगर आप 0.680% का जो मैं लेवल बोल रही हूँ, अगर आपको प्रूफ करके दिखाओ तो 0.680 से 80 का लेवल लेवल पकड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस जगह फॉलो करें तो यहाँ से जैसे इसने इस लेवल तोड़ा है, अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। सो ओवरऑल यहाँ पे देखें तो बहुत ही जगह से मोमेंटम ने जब भी इसने लेवल लेके तोड़ा है। सो ध्यान में रख के ही मैंने आपको ये एंट्री दी हुई है। सो आई थिंक तो आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।